हेलो फ्रेंड्स और कलम खा दौड़ लोग, आप सभी का मेरे निकले जाकर 2020 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज बहुत टाइम के बाद मैं किसी त्रिपुरा के वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूँ। और आज जिस सॉन्ग पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ उसका नाम है रंगचक नी गेरिंग, और इसे गाया है रुपेश देवर्मा ने। और ये तो दो न्यूली मैरिड कपल्स की लव स्टोरी है, और फिर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके हिसाब से तो यही लग रहा है, बाकी हम देखते हैं क्या है स्टोरी पूरी की पूरी। और अगर मैं इसकी कास्टिंग की बात करूँ तो कास्टिंग इसमें है सुभाजीत एंड रूमी देवर्मा, ये दोनों नाम जाने पहचाने हैं। इन दोनों की एक एक वीडियो पे मैंने रिएक्शन रिएक्शन दिया है। और सिंगर रुपेश देवर्मा, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, डायरेक्टर है खकुफुर देवर्मा एंड प्रोड्यूसर इमानुअल त्रिपुरा। इनका नाम भी शायद मैं सुन चुका हूँ किसी एक वीडियो में। ओके और सुकांत देवर्मा जिन्होंने अपना म्यूजिक दिया है, ये भाई साहब तो हर वीडियो में होते हैं त्रिपुरा की। ये तो ऐसा समझ लो कि मतलब कंपलसरी हो गए हैं, ठीक है, त्रिपुरा की वीडियो हो और इनका मेंशन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। एंड लिरिक्स कंपोज एंड लिरिक्स बाय है रुपेश एंड सुकांग। अच्छा, सुकांग ने भी इसमें अपना कुछ योगदान दिया है कंपोज में। हाँ, उन्होंने शायद कंपोजिशन में दिया होगा और शायद लिरिक्स में भी दिया होगा, क्योंकि दोनों के नाम है रुपेश एंड सुकांग। एंड प्रोड्यूस प्रोडक्शन मैनेजर है प्रसन्नजीत त्रिपुरा। ओके, तो ये थी मोटी मोटी जो कास्टिंग थी। अब देखते हैं वीडियो और फिर उसके बाद देखते हैं क्या स्टोरी नाउ। हाँ, पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक टाइम से पहुंचाते रहें। अब आप देर नहीं करते हैं, मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ कि बहुत टाइम के बाद कोई सॉन्ग सुनो त्रिपुरा का। एक जस्ट अ मिनट, ये वरना ऑडियो में दिक्कत आएगी। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 रंगचक त्रिपुरानी खुंसा हासुकनी कामी वो टोंगलाइजामानी बुखुंगनी कचांग कचांग फियाबा नाइकोल जागिया चेर जागिया केबो बाई नुगना गिरी बरकनी कपालनी आशक बिरमा। घर सारे बंबू के, लकड़ी का फर्श। ओ मैडम जी की तबीयत खराब है। सैड सॉन्ग लगता, स्टोरी पूरी सैड है। रुतुग रुतुग यां नो डेथ हो गई क्या? ओ नंग बाबियां कुमा उठंका। त्रिपुरा में भी पूरा मतलब श्रृंगार करके जो है क्या करते हैं यूट्यूब ऑफ इन्फॉर्मेशन। रिंग होर बोख नाया बुश खक चालं थांका कोक्तोन बोशो गुया बोरो बा थायंका रुतुग रुतुग thank you.
म्यूजिक बहुत सही है यार, थोड़ी के साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो रहा है। बहुत बढ़िया स्टोरी थी यार, सैड सी, और दोनों ही एक्टर बहुत सही थे। मेल एक्टर जो थे मतलब उनके एक्टिंग भी जो कमाल की थी वो, और म्यूज़िक तो भाई बहुत सही था, म्यूज़िक स्टोरी के साथ एकदम फिट बैठ रहा था। सिंगर ने भी बहुत अच्छा काम किया, और एक मतलब इस ना स्टोरी को देख के ना मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि त्रिपुरा के जो गांव वगैरह है वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ की शायद बहुत कमी है। जैसे वो लेके जा रहे थे ना ऐसे उस पर, मतलब यहाँ के जो गांव होते हैं यूपीपी और बिहार साइड के, बहुत दूर के गांवों में भी हेल्थ फैसिलिटी की थोड़ी कमी है, पर फिर भी इतनी मेरे ख्याल से शायद इतनी नहीं होगी जितनी जो है दिखाई गई थी मतलब इस वीडियो में। मतलब कि जो यूपी बिहार के जो गांव हैं ना वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी फिर भी शायद थोड़ी सी बेटर होगी। जैसा इस वीडियो में दिखाया गया कि वो एक गांव था और वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं था तो लोग ऐसे लेके जा रहे थे। इससे मालूम पड़ता है कि वहाँ पर गाँव में हेल्थ फैसिलिटी का स्टेटस क्या है, जो कि बड़ी सैड बात है। पर कोई ना, जो है गवर्नमेंट अब काफ़ी ट्राई कर रही है। मैंने अभी काफ़ी जो है पढ़ा था कि अब
नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी प्रेफरेंस दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और वहाँ पर काफ़ी सारे नए हॉस्पिटल वगैरह जो है अब जो है बन रहे हैं। आपकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा कर रही है नॉर्थ ईस्ट के लिए। देखो मैं कोई जो है बायस नहीं हूँ, मैं काफ़ी सारा न्यूज़ वगैरह जो है फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है कि वो, क्योंकि मैंने काफ़ी जो है पढ़े हैं कि वहाँ पर काफ़ी कुछ जो है प्रपोज हुआ है और काफ़ी कुछ नया कुछ जो है मतलब जो काम चल रहा है। कमाल था, वीडियो बहुत सही थी, और एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नया क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। जैसे कि ये जो पूरे जो रिचुअल थे वो जो हिंदूज करते हैं ठीक है, मतलब कोई अगर हिंदू कोई न्यूली वेड वूमेन जो है अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको पूरा शाह श्रृंगार करके फिर जो है विदा किया जाता है, और वो अस्थि बहाना वो सारा जो रिचुअल थे वो हिंदू वाले थे। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या कॉकबर्ग जो लोग होते हैं, क्योंकि ये एक कॉकबर्ग म्यूजिक वीडियो है, तो वो क्या हिंदूज होते हैं ज़्यादातर? मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में जो है बताना कि जो कॉकबर्ग लोग होते हैं वो मेजरली कौन सा रिलीजन जो है फॉलो करते हैं, क्या वो ज़्यादातर हिंदूज होते हैं, क्योंकि जैसा इस वीडियो में दिखाया सब हिंदूज वाले जो वो होते हैं ना रिचुअल्स होते हैं वही वाले जो है परफॉर्म किए गए। सो ये एक क्वेश्चन आया था मेरे वो दिमाग में, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं है, इस बारे में सोचा ही नहीं कि भाई कॉकबर्ग लोगों का रिलीजन क्या होता है। देखो मैं कुछ ऐसा रिलीजन वाला एंगल नहीं छोड़ रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन दिमाग में आया था, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, इस वीडियो को देख के दिमाग में आया कि क्या कॉकबर्ग क्या हिंदूज होते हैं। तो प्लीज़ जो है बता देना, मुझे कोई आइडिया नहीं था, अभी मेरे वीडियो देख के दिमाग में आया, चलो पूछ लेता हूँ कि थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाएगी ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जो है बताना कि कॉकबर्ग लोग जो है मेजरली कौन सा लेजेंड जो है फॉलो करते हैं। और वीडियोज़ के बारे में बात करें तो बहुत सही था, और जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था उनको बहुत बहुत थैंक यू। मुझे उनका नाम याद है, पिंकी देवर्मा, आपको बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो रिकमेंड करने के लिए। वीडियो बहुत सही थी, स्टोरी मुझे बहुत सही लगी, म्यूज़िक भी बहुत सही था। काश मुझे लैंग्वेज अच्छे से आए मतलब आती होती तो मुझे खूब मज़ा आता, कोई नहीं कभी ना कभी तो आई जाएगी। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।